नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में एली इफेक्ट के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में चर्चा करेंगे। और यह इकोलॉजी का टॉपिक है और काफी महत्वपूर्ण है, और पॉपुलेशन रेगुलेशन को समझने के लिए एली इफेक्ट को समझना काफी महत्वपूर्ण। इससे संबंधित डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं, तो आइए हम लोग समझते हैं कि एली इफेक्ट है क्या। बिल्कुल सरल भाषा इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हमको सबसे पहले पॉपुलेशन रेगुलेशन को समझना पड़ेगा। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन है या रेगुलेशन जो होता है, एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक इन्फ्लुएंसेस, जो फैक्टर्स है बायोटिक के, बायोटिक फैक्टर डिसाइड करते कि कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं और कौन से पॉपुलेशन के लिए ज्यादा मोर सुटेबल है ऑल टुगेदर। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन रेगुलेशन की बात करें, यह दो तरह का हो सकता है, डेंसिटी डिपेंडेंट हो सकता है और डेंसिटी इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो हमने जानते हैं क्या कि डेंसिटी डिपेंडेंट और नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो क्या कहता है कि अगर कहीं पर पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन क्या है, काफी क्राउडेड है, क्राउडेड बहुत ज्यादा संख्या में पॉपुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर मौजूद है, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बढ़ने से जो डेंसिटी है, जो संख्या है, वो कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेस करती है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसका जो बर्थ रेट है लोअर हो जाता है। बर्थ रेट क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो मतलब ये डेंसिटी डिपेंडेंट कहीं ना कहीं क्या है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है कि अगर बहुत ज्यादा डेंसिटी होगा तो रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन होगा और अल्टीमेटली क्या होगा, बर्थ रेट और उसका जो अल्टीमेटली क्या होगा, पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि बर्थ रेट अगर घट गया तो कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट भी घट जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि डेंसिटी डिपेंडेंट, डेंसिटी की संख्या अगर बढ़ेगी तो नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है, बर्थ रेट घट जाता है और अल्टीमेटली क्या है, पॉपुलेशन का ग्रोथ भी कम जाता है। अब दूसरी बात को हम लोग समझते हैं कि एक ऐसा भी उदाहरण है नेचर में मिलता है सम केसेस में कि डेंसिटी डिपेंडेंट पॉजिटिव फीडबैक काफी महत्वपूर्ण है। इस बात को अगर हम समझते हैं तो यही एली इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो सम केसेस में क्या होता है कि अगर ग्रोथ रेट इंक्रीज करता है विद द पॉपुलेशन साइज के बढ़ने से ग्रोथ रेट इंक्रीज करता है, ग्रोथ रेट मतलब उसकी संख्या, बर्थ, सर्वाइवल ऑल टूगेदर क्या है, वो बढ़ता है। और इस फिनोमेना को हम लोग एली इफेक्ट कहते हैं। और इस बात को और थोड़ा सा हम सरलतापूर्वक से समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर एक पौधा है, यहाँ पर एक पॉपुलेशन है, बिल्कुल कम है, एक पॉपुलेशन है पौधे का, और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे पौधे हैं, मेनी पौधे हैं, अबाउट 10 पौधे हैं जो इस सेम एरिया में अगर मौजूद हैं, तो रही बात अगर सर्वाइवल की बात करें, अगर वाइंड का ब्लो हो तो क्या होगा, कौन से ज्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव करेंगे, जो ज्यादा संख्या में है वो ज्यादा अच्छे तरीके से तब सर्वाइव करेंगे, ग्रो करेंगे, सर्वाइव करेंगे तभी तो ग्रो करेंगे, जब सर्वाइव ही नहीं करेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे। तो जो कम पॉपुलेशन में है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं करेंगे, किल हो जाएंगे और अल्टीमेटली इनका ग्रोथ नहीं होगा, इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर यही संख्या अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाता है कि संख्या बढ़ने से आसानी से मतलब वाइंड फ्लो मतलब एबायोटिक फैक्टर को आसानी तरीके से क्या करें, काउंटर पार्ट कर सकते हैं और इसमें सर्वाइव कर सकते हैं और ग्रो करेगा। तो हम सरल भाषा में बोल सकते हैं कि मोर डिफिकल्ट टू सर्वाइव एन इंडिविजुअल इफ द पॉपुलेशन साइज इज स्मॉल। और यही तो एली इफेक्ट है कि संख्या बढ़ने के साथ ग्रोथ रेट आपका बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, इसलिए तो एली इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं कि डिफरेंट तरह के एली इफेक्ट में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन कैसे आप देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण ग्राफ हो सकता है, पूछा जा सकता है परीक्षा। अगर कोई भी एली इफेक्ट हमको नहीं देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि dn by dt पॉपुलेशन साइज की ग्रोथ के साथ आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आपको आसानी से देखने को मिलेगा, जब कोई भी एली इफेक्ट नहीं है तो। साथ ही साथ हम अगर दूसरी स्थिति की बात करें, पॉपुलेशन रेट की बात करें और वीक एली इफेक्ट है, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कर्व शेप चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इनिशियली क्या नेगेटिव में भी जा सकता है, ग्रोथ रेट एकदम कम सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि एली इफेक्ट स्ट्रॉन्ग, वीक और नो एली इफेक्ट को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। साथ साथ हमने ये भी सीखा कि कैसे जो एली इफेक्ट हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट पॉजिटिव फीडबैक काम करते हैं, उसको हमने सरलता से देखा।
मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप सीएसआई में लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन बैचों के लिए जुड़ सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो जीके बायोलॉजी क्लास को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं जो आपकी सरलता सफलता दोनों में मदद करेगा। और लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।